हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ समर स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच सब्जा ले लिया है। हम इसमें पानी डालकर इसे सोक करके रख लेंगे। अब पैन में हम 1 लीटर दूध डाल देंगे। इसे हम बॉईल कर लेंगे। आज हम कस्टर्ड मिल्क शेक बनाने जा रहे हैं, तो मैंने 3 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। हम इसमें 1/4 कप मिल्क डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी दूध में उबाल आ गया है, इसे हम अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें हम कस्टर्ड का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा डालकर इसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। अब इसे हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे और इसे थोड़ा सा थिक होने तक कुक कर लेंगे। इसमें हम 50 ग्राम शुगर ऐड कर देंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये दूध थोड़ा सा थिक हो गया है, हमें इसे ज़्यादा थिक नहीं करना है। अब हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे और फ्रिज में रख देंगे। अब ये दूध को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है, ये एकदम ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम सब्जा डाल देंगे जो हमने भिगो कर रखा था। इसमें मैं फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद हो आप उसमें डाल सकते हैं। थोड़े से इसमें कटे हुए बादाम ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये एकदम ठंडा कस्टर्ड मिल्क शेक बनकर तैयार हो गया है। इसे हम सर्व करने के लिए गिलास में निकाल लेते हैं। इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये हमारा मिक्स फ्रूट कस्टर्ड मिल्क शेक बनकर एकदम तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे नए डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।